अस्सलाम वालेकुम, ग्रैनी चैनल की तरफ से भरत का सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? चले आए, अब हम अपना पहला पोज करते हैं। अपनी बाजू सीधी रखें और उसके बाद इनको उठा के इनहेल एक्सहेल इसको आप 5 से 10 मरतबा करें। अब आप तसव्वुर में अपनी बॉडी को बिल्कुल सीधा रखें, कमर आपकी सीधी होनी चाहिए। आप तसव्वुर करें कि आपके सामने मेज पड़ा है जिसको आपने क्लीन करना है, उसकी डस्टिंग करनी है। आपके पास एक कपड़ा है, आपने अपनी बाजू बिल्कुल सीधे रखने हैं, कमर सीधी होनी चाहिए, मूवमेंट आपकी बस होनी चाहिए। तो आपने ये कपड़ा है आपके हाथ में और उस पर आपको बेस जो है वो अपनी मूवमेंट के साथ साफ करना है, जो कि राउंड के स्ट्रोक्स में होना चाहिए, कॉर्नर्स पे कमर सीधी हो। अब ये हो गया था क्लॉकवाइज, अब आप एंटी क्लॉकवाइज। अब आप सीधे होके बैठें और अपनी एक टांग इधर दूसरे पे रखें और तसव्वुर करें कि आप एक दरख्त हैं। दरख्त की तरह आप तना है, बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठें और आपकी जो बाजू हैं वो बिल्कुल स्ट्रेच करके ऊपर जाएंगी और समझें कि वो शाखें हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस। एकदम से हवा चल पड़ी है और उससे ब्रांचेस जो हैं वो हिलने लग पड़ी हैं। अब आपने देखना है कि मूवमेंट्स हों, पीछे से बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। इनहेल एक्सहेल। अब आप दूसरी टांग के साथ ऐसे ही इसके दरम्यान में अपने इनहेल और एक्सहेल करते रहे, जो मामूल का होता है। रिलैक्स। अब आप सीधे बैठ के अपनी जो शोल्डर्स हैं उनको अपनी कानों की तरफ उठाएं। वहाँ पे 10 सेकेंड्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, इनहेल एंड एक्सहेल। रिलैक्स करें, सीधे होके बैठें, पाँव जमीन पर लगाएं और आप समझें कि आप किसी दरख्त के नीचे बैठे हैं। आपके ऊपर दरख्त पे फल लगे हैं, आपने उनको तोड़ना है और आपके नीचे जो एक बास्केट पड़ी है आपने उसमें उसको प्लेस करना है। एक एक करके तोड़ें और नीचे प्लेस करें। कमर सीधी रखें, ऊपर करें स्ट्रेच और फल तोड़ें। नीचे जाते हुए भी अपनी कमर सीधी रखें। रिलैक्स। अब आप अपनी बाजुओं को सीधा करें, इसको इधर लाएं, अपनी फिस्ट बनाएं और होल्ड करें यहाँ पे 10 सेकेंड।
जगह पे करते हुए इनको मूव करें आगे की तरफ, पीछे की तरफ। आज हम इनहेल और एक्सहेल जो है वो हम नॉस्ट्रिल बंद करके करेंगे और थोड़ी देर होल्ड करेंगे उसको, जैसे कि एक जो अंगूठा है आप एक अपनी नॉस्ट्रिल पे रखें, उसको बंद करें और इस नॉस्ट्रिल से आप इनहेल करेंगे, फिर आप इसको भी बंद करेंगे और जितने सेकेंड आप रख सकेंगे उसको बंद करके, तो फिर आप इसको बंद रखेंगे, इसको छोड़ेंगे और इसे एक्सहेल करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। इनहेल, गहरा सांस लें, कम से कम 10 टाइम्स ऐसा ऐसा करें और फिर उसको बढ़ाएं, तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद आपका स्टेमिना बेहतर हो जाएगा और इससे सर्कुलेशन ऑक्सीजन की हमारी बहुत अच्छी होती है, ब्रेन को पहुंचता है, तो उससे बहुत फ़ायदे होते हैं, यानी और खुद ब खुद बंदा बंदा करता रहता है। तो चलें, इंशाल्लाह आइंदा मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।